नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। देवरिया सदर से कांग्रेस प्रत्याशी पुरुषोत्तम नारायण सिंह ने कहा कि हमारी नेता प्रियंका गांधी ने जो प्रतिज्ञा की थी वह पूरी भी की है। वहीं पर भाजपा के कार्यकाल में जो वादा किया गया वह पूरा नहीं हुआ। बेरोजगारी बढ़ती गई है, महंगाई चरम सीमा पर है। नौजवान बीए बीकॉम कर इधर उधर भटक रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही अपना रोजगार चला सके। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री नौजवानों को कहते हैं कि पकोड़े बेचे चाय बेचे। बच्चों, कितनी शर्म की बात है कि पढ़े लिखे नौजवान पकोड़ी चाय बेचेंगे तो इस देश का क्या होगा। ऐसे ही सभा को संबोधित करते वक्त देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 12वीं पास करके जो इंटरमीडिएट में जाएगा उसको हम टैबलेट देंगे, पता नहीं इनकी योग्यता क्या है। 12वीं और इंटरमीडिएट में जो फर्क दिखा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो है यह विकास के लिए हमेशा लड़ाई में आगे रहा है और हमारी सरकार बनेगी तो विकास होना संभव है। देवरिया जिला जो चीनी का कटोरा बोला जाता था, आज यहीं पर शुगर मिल सारे बंद पड़े हैं। यही तो मोदी और योगी ने जनता से वादा किया था कि शुगर मिल हम चालू करवाएंगे, पर अभी तक देवरिया और कुशीनगर जिले के कोई चीनी मिल चालू नहीं हो पाए हैं। लेकिन हमारी सरकार बनेगी तो सबसे पहले देवरिया की चीनी मिलें चालू कराई जाएगी, जहां पर नौजवानों को रोजगार मिलेगा, देवरिया का विकास होगा। देवरिया में बाईपास कई महीनों पहले का पास तो हो गया है, पर अभी तक बाईपास बना नहीं है। हमारी सरकार उसको मना कर जनता को देगी, जो आने जाने वाले को कठिनाई ना हो। जो शहर की जनता को हर दिन जाम का सामना करना पड़ता है, इसके बाईपास करना बहुत जरूरी है। विकास जो देवरिया में हुआ नहीं, हम करके देंगे, यह हमारा वादा है। विधानसभा में जाएंगे तो देवरिया के लिए क्या कुछ नया करने वाले? सबसे बड़ी समस्या है छोटे दुकानदारों, ठेला वाले, खोंचा वाले व्यापारियों की है। रोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। सड़कों पर इतनी अतिक्रमण है कि कोई चलने में भी दुर्भर है। यहाँ बाईपास नहीं है। रिंग रोड के नाम पर एक पिछले एमपी ने नहरों को बाईपास बनाया था, जिसका कोई मतलब नहीं है। इस शहर का विस्तार होना चाहिए, नया कॉलोनी बननी चाहिए, नया देवरिया बनना चाहिए, नगर निगम बनना चाहिए, नगर विकास प्राधिकरण बनना चाहिए। यहाँ मेडिकल कॉलेज जो बना है प्राइवेट बना है। सिविल हॉस्पिटल से भी खराब व्यवस्था वहाँ की है। एक आदमी मर रहा था, ऑपरेशन करने की बात आई, मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल वर्मा से कहा, वर्मा जी ऑपरेशन कर दिए रखे। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा मेरे पास भाई साहब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। हमने कहा सुनिए, लड़का अगर मरेगा उसकी अर्थी निकलेगी तो आप भी उसके साथ जाएंगे। आपकी जन संघर्षों से आया हूँ मैं, आंदोलन से आया हूँ मैं। संजय गांधी के साथ नेतृत्व में आंदोलन किया था मैं, छात्र जीवन से आंदोलन किया हूँ और जेलों में गया हूँ। गन्ना मिर्जाम पोला में हम लोग जेल गए, देवरिया के भटनी गोरी बिहार और देवरिया मिल गोरी चलाने के लिए कई बार आंदोलन करते जेल हो गए। लेकिन मेरा अपना वादा है, अगर देवरिया के लोग उसको विश्वास करके विधानसभा में भेजेंगे, उत्तर प्रदेश पंचायत में भेजेंगे, गोरी बिहार कानपुर भटनी चीनी मिल चलाऊँगा। क्योंकि ये मिल आबादी में हो गई है, लेकिन यहाँ भी प्रयास करूँगा उद्योग लगे और इस देवरिया को नगर पालिका से नगर निगम नगर विकास प्राधिकरण बनाऊँगा, रिंग रोड बनाऊँगा, नया कॉलोनी बनाऊंगा देवरिया नगर, जिसमें पत्रकारों के लिए, वकीलों के लिए और छोटे जो हाकर हैं उनके लिए बनवा के देंगे, उनके नाम पर बनेगी। पत्रकारपुरम, हाकरपुरम, अधिवक्तापुरम। गौरी बिहार को तहसील बनाने का वादा है। गौरी बिहार तहसील मायावती की सरकार में घोफड़ा हुई थी, सिरनाथ उस समय MLC हुआ करते लेकिन नहीं बना। तो सारा सर्वे होने के बाद मानक पूरा करता है गौरी बिहार, उसको ठंडे के बस्ते में डाल दिया गया, उसको नगर पालिका बनाऊंगा, बस स्टेशन का निर्माण करूंगा, देवरिया को नगर विकास प्राधिकरण नगर निगम बना के नगर पालिका बना के इनको गौरी बिहार सहित सारे इन नगर पालिकाओं को और टाउन एरिया को जोड़ने का काम करूंगा, जिससे नए नए नौजवानों को काम मिले। छोटे दुकानदारों को हमारे पास योजना है, क्योंकि छोटी छोटी दुकानें बना के सड़कों के किनारे देने के लिए, जैसे छोटे व्यापारी सड़कों पर अतिक्रमण न करें। सरकार के पास कोई योजना नहीं है, केवल जात धर्म हिंदू मुसलमान और 5 किलो अनाज बांटने से देश प्रदेश नहीं चलेगा। नौजवान जब तक हाथों में काम नहीं पाएगा तब तक देश की तबाही की स्थिति में जाएगी। अब नौजवान आंदोलन की तरफ है, मेरे साथ जो घूम रहे हैं उसमें 90% नौजवान नहीं है, बेरोजगार हैं। मेरा अपना वादा भी है, मैं होऊंगा 1000 नौजवानों को मेरे एजेंडे में नौकरी देना, चाहे नौकरी दें, रोजगार दें, व्यवसाय दें, लेकिन उनको दूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। नेता प्रियंका गांधी ने जो प्रतिज्ञा पत्र दिया, उस प्रतिज्ञा पत्र आपको मिला भी होगा, उस प्रतिज्ञा पत्र के तहत काम कर रहे हैं। उस पर प्रतिज्ञा पत्र में कोई ऐसा समस्या नहीं है जो न पूरी हो जाए। कांग्रेस विकास के लिए किसी भी स्तर पर जानो, गरीबों, मजदूरों,
और सबसे बड़ी बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगार सड़कों पर घूम रहे हैं पढ़ लिख लड़के MBA MTech BTech IT, और इस देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ी बेचो, चाय बेचो, चाट बेचो। कितनी शर्म की बात है कि पढ़े लिखे नौजवानों से पकौड़ी या चाय बेचने की वो अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहा है कि 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन कराओ, ये योग्यता का परिचय है। गृह मंत्री पता ना प्रधानमंत्री की योग्यता क्या है, गृह मंत्री की योग्यता क्या है, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की योग्यता तो सब हर आदमी जानता है। इस समय सपा और भाजपा आपके सामने है, यहाँ पे ये भी चल रहा है कि प्रत्याशी देवरिया के हैं, बाहर के हैं, और धर्म की बात हो रही है जबकि विकास की नहीं। आप लोग इस युद्ध में कैसे अपने आप से को आगे निकालेंगे? हम विकास के लिए लड़ रहे हैं और धर्म तो हमारा आस्था का विषय है। हम आस्थावान हैं, हम मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में माथा टेकते हैं, गुरुद्वारे में भी टेकते हैं। हम सारे धर्म तो भगवान तो सबका एक है, अलग अलग नामों से लोग उनको पुकारते हैं, ऐसा नहीं है। अधर्म के नाम पर देश नहीं चलेगा, समाज नहीं चलेगा, जात के नाम पर नहीं चलेगा, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं चलेगा यह देश। रोजगार के नाम पर चलेगा, विकास के नाम पर चलेगा, नौजवानों को हाथों को काम देने के नाम पर चलेगा। सब पढ़ी सबसे बड़ी समस्या है। हम लोग पढ़ते थे तो इस देवरिया जिले को पूछा गया कि इस प्रदेश में कौन सा चीनी का कपड़ा जिला है जहाँ चीनी उत्पादन होता है। देवरिया जिला, दोनों जिला कुशीनगर देवरिया एक था, 14 शुगर मिले हुआ करती थी, चीनी का कटोरा कहा जाता था। हमने इस प्रश्न को कहा कि देवरिया जनपद को अधिकारी ने कहा बहुत अच्छी बात आपने कहा। आज देवरिया, बैतालपुर, गौरी ब्याह, भटनी सारी चीनी मिले यहाँ की बंद है। मोदी जी ने ये वादा किया था होने के बाद इन मिलों को चलाऊंगा, लेकिन मोदी जी मंदिर के महंत हैं, घंटी बजाने से, घंटी डुलाने से, और हिंदू मुस्लिम हिजाब, हिजाब क्या भाई, हमने हिजाब के बारे में पूछना है तो हमने पूछा हिजाब क्या है, तो लोगों ने बताया कि मुंह बांध के लो जाना हिजाब है। हमने कहे भाई वो तो मेरी लड़की भी बांध के जाती थी प्रदूषण की वजह से, हिंदू धर्म की तमाम लड़कियां जाती थी, यहाँ हिंदू मुसलमान हो गया। और मोदी ने सबसे बड़ा कर्म कुकर्म किया कि पूरे देश में हिजाब पहना दिया, उसके बारे में कोई। We'll be right back.